दर्शकों में आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के समाचार बुलेटिन की। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रांतीय अधिवेशन एवं व्यापार शिरोमणि सम्मान समारोह 2024 सिटी पैलेस में आयोजित हुआ। दरअसल पीलीभीत में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि यह नए लाइसेंस व्यापारी सहन नहीं करेगा। एक और दोहरे कानून से व्यापारी परेशान हैं, इसको लेकर उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। लोकेश अग्रवाल रविवार को स्थानीय सिटी पैलेस में प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन व व्यापारी शिरोमणि सम्मान समारोह मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते नजर आए। इससे पूर्व पूर्वान्ह स्थानीय टाइगर तिराहे पर जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी, चेयरमैन अनिल महेंद्र, जिला महामंत्री पंकज अग्रवाल, संरक्षक प्रकाश वीर, जिला कोषाध्यक्ष संजय पांडे, प्रदेश अध्यक्ष युवा कपिल अग्रवाल, जिलाध्यक्ष युवा शैली अग्रवाल ने उनका स्वागत किया, जहां से रोड शो निकाला गया। यह रोड शो ईदगाह तिराहा, नोगोवा चौराहा, छतरी चौराहा स्टेशन रोड होता हुआ जेपी रोड, चौक बाजार, कमल्ले चौराहा, बेलो वाला चौराहा होते हुए बाले मियां की मजार होता हुआ सिटी पैलेस तक पहुंचा। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास स्थानीय व्यापार मंडल ने किया। इसके लिए एक छोर चौक बाजार में तो दूसरा छोर सुनगढ़ी थाने पर था। ऐतिहासिक रोड शो ने साबित कर दिया कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने ही हमेशा व्यापारियों की लड़ाई लड़ी और व्यापारी हित की बात की है। यही वजह रही कि आज जिले के हर कोने कोने से व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और आज के इस जन सैलाब ने साबित कर दिया कि यह बात आम जनता के बीच गूंजती रही है। सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा, इसके लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। व्यापारी का सम्मान और सुरक्षा हमारे व्यापार मंडल की प्राथमिकता है, हम इसके लिए सरकार से भिड़ने के लिए भी तैयार हैं। इससे पूर्व सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिले राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों की ऋणी है, क्योंकि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने में व्यापारियों का योगदान अहम रहा है। उन्होंने पीलीभीत के व्यापारियों के संघर्ष करने के लिए व्यापारी शिरोमणि सम्मान मझोला के राम उतार अग्रवाल, अमृत लाल, प्रकाश वीर, अनिल महेंद्र, पंकज अग्रवाल, ओम प्रकाश कोहली, अशोक अग्रवाल को व्यापारी शिरोमणि सम्मान से अलंकृत किया। इसके अलावा उन्होंने महिला इकाई, नगर इकाई, मोटर पार्ट्स इकाई सहित विभिन्न इकाइयों को भी सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी ने सम्मेलन में आए सभी अतिथियों तथा व्यापारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी व्यापारियों का आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष युवा कपिल अग्रवाल ने भी सभी का आभार प्रकट किया। इस सम्मेलन में पीलीभीत, बिसलपुर, पूरनपुर, जमुनिया, मझोला, अमरिया, कलीनगर, बिलसंडा, न्यूरिया, नेपाल सीमावर्ती बाजार, जहानाबाद, ललोरी खेड़ा, शेरपुर कला, बरखेड़ा, गजरोला सहित सभी क्षेत्रों से व्यापारी इस दौरान जुटे थे। इनके अलावा प्रदेश के कई जिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन जिला कोषाध्यक्ष संजय पांडे गोहर तथा प्रदेश मंत्री राजेश अग्रवाल दाल वालों ने किया। सम्मेलन में पूरे प्रदेश सहित 600 से अधिक व्यापारी सम्मिलित हुए। सम्मेलन में प्रकाश वीर, कपिल अग्रवाल, अनिल महेंद्र, राजेश अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, सचित अग्रवाल, सुधीर सिंह, शेर सिंह, शैली शर्मा, रोहित सैनी, रणवीर पाठक, सलभ सिंह, मुस्तकीम, सैफ अंसारी, बरखेड़ा से नदीम अंसारी, इसरार हाफिज, बिसलपुर से राकेश मित्तल, अली हसन, बिलसंडा नगर पंचायत अध्यक्ष डीके गुप्ता, आशीष सक्सेना, विक्रम जायसवाल, अरविंद अवस्थी, मझोला अजय गोयल, सलीम इदरीसी, अबरिया से जाहिर मालिक, असगर अली, इमरान सहित सैकड़ों व्यापारियों ने हिस्सा लिया। पीलीभीत संवाददाता रिजाकत अली की रिपोर्ट। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।